जो कंसिस्टेंसी 25 साल पहले शुरू की थी और जो स्टैंडर्ड्स कायम किए गए थे वो आज भी मौजूद हैं 25 साल होने के बावजूद। अब हम आ गए उस काउंटर पे जो कि मेरा भी फेवरेट काउंटर, और ये काउंटर है भाई फ्राइड प्रॉन्स का। बलोची कढ़ाई, हाईवे स्टाइल की लग रही है मुझे ये देखे भाई मटन कुन्ना। और भाई स्ट्रीट फूड का जो असल मज़ा है ना वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको कॉन्टिनेंटल तो मिल रहा है, स्टेक भी मिल रहा है, बारबेक्यू, लेकिन बन कबाब के बगैर पाकिस्तानी खाना स्पेशली स्ट्रीट फूड अधूरा है। भाई लाल किला के बादशाह हम बन चुके हैं और अब इस किले पे हमारी हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़िया तबारक और भाई आज हम आए हैं वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, क्योंकि अगर कोई आपका कॉर्पोरेट इवेंट हो, कोई सालगिरह हो, कोई वेडिंग एनिवर्सरी हो, दोस्तों को ट्रीट देनी हो, या वैसे ही आपका फैमिली के साथ कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा हो और काफ़ी वैरायटी में खाने का दिल चाह रहा हो, तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस है लाल किला, जहाँ पे मैं आया हूँ आज। भाई साबिर भाई और अदील भाई जो मेरे बहुत ही पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर चले। हम आपका इस्तेमाल करते हैं और लाल किला आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी कामयाबी, बड़े शौहरत के झंडे आपने लाल किला में आए हैं और माशाल्लाह बादशाह सलामत से आते ही हमारी मुलाकात हो गई। भाई लाल किला का एम्बियंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको जैसे ही अंदर आते हैं ना तो एक फील आती है कि आप किसी एंशियंट हिस्ट्री में पहुंच गए हैं। लाल किला की जैसी पूरी दीवारें यहाँ पे बनी हुई हैं लाल ईंटों की, और इंडोर डाइनिंग भी है, आउटडोर डाइनिंग भी है, रूफ टॉप भी है। जो इंडोर डाइनिंग है वहाँ पे एयर कंडीशन हॉल भी है, डिशेज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे। जो शेफ़ हैं इनके, उनसे भी मुलाकात करके ज़रा पूछते हैं कि जो डिशेज़ की रेसिपी है, जो सीक्रेट है, ये जो रश है माशाल्लाह उसका राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। सीक्रेट जो इसका ये है कि जो कंसिस्टेंसी 25 साल पहले शुरू की थी और जो स्टैंडर्ड्स कायम किए गए थे वो आज भी मौजूद हैं 25 साल होने के बावजूद। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी कुकिंग है सारी वो लाइव होती है और बिल्कुल ओपन होती है, और कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। तो जब साफ़ सुथरा बन रहा होता है खाना और मज़ेदार बन रहा होता है तो लोग इंजॉय करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से हम चल रहे हैं। इस वक्त जो बूफे में लगी हुई हैं सैलड और डिज़र्ट मिला के 100+ डिशेज़ हैं मेरे पास जी। डिनर के जो चार्जेज़ हैं वो 29.90 है जी, और इसमें जो है वो ड्रिंक्स शामिल नहीं है, ड्रिंक्स सेपरेट होते हैं। ये देखें भाई आप, ये जो बीच में मेहराब पूरी बनी हुई है ना, ये बारादरी टाइप की छोटी सी, ये पूरा बुफे का सीन है। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि यहाँ पे आपको जो है ना वो सैलड बार और डिज़र्ट्स मिलेंगे, वहाँ बन कबाब बन रहे हैं, बारबेक्यू बन रहा है। लेकिन हम शुरू करते हैं महाराज भाई यहाँ से है जी। क्या क्या ये हमारी जो है बलोची कढ़ाई लगी हुई है, बलोची टिक्का कढ़ाई जी, हाईवे स्टाइल की लग रही है, हाईवे स्टाइल की है ये। बलोची कढ़ाई ड्राई होती है ना, ये लेमन के अंदर बनती है, लेमन के अंदर बिल्कुल वही चीज़ है बलोची कढ़ाई। और यहाँ पर ये उसके बाद मटन कुन्ना पाया आ गया हमारा, ये देखें, ये देखें भाई मटन कुन्ना, वेरी नाइस। पीछे कढ़ाई बन रही है लाइव, ये यहाँ पे लगी हुई है, ये वही बन रही है, ये मटन कढ़ाई बन रही है। और ये पिशावरी चपली कबाब जी, चपली कबाब, ये देखें आप, ये अच्छा, ये भी मटन में बन रही है जी, ये वही मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मटन पाया। और मटन तो आपको पता है आजकल क्या रेट चल रहे हैं माशाल्लाह मटन में है, वेरी नाइस यार। पूरा पीछे जो है ना वो पिशावर का माहौल बना हुआ है, कढ़ाई और चपली कबाब। और जो चपली कबाब का ऑयल है वो भी आप देखें कि कितना ट्रांसपेरेंट ऑयल नज़र आ रहा है मैं यहाँ पे, साफ़ सुथरा, वेरी नाइस। और ये चपली कबाब तो भाई मैं ज़रा हाथ के हाथ टेस्ट कर लूँ, ये चेक करें आप, ज़बरदस्त चपली कबाब बन रहे हैं और साइज़ भी इनका मुनासिब है। बिस्मिल्लाह भाई, बुफे तो और भी होते हैं लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि खाने की जो क्वालिटी और टेस्ट है ना वो मेंटेन रखा जाए। आप बहुत सारे खाने रख दें और उसमें टेस्ट नहीं हो तो फिर इतनी सारी डिशेस का फ़ायदा नहीं है, लेकिन डिशेस भी बहुत सारी हो और टेस्ट भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, बेहतरीन। हलीम, ये देखें आप, ये जो लक्ष्य बन रहे हैं ना, रेशे बन रहे हैं, रेशे, इसका लेस देखें आप, वाकई यार बहुत गाढ़ा गाढ़ा हलीम है, बेहतरीन हलीम। यहाँ पे आके जो है ना बंदा परेशान हो जाता है कि क्या खाए, क्या छोड़े और क्या पकड़े। फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं यहाँ पे,
बच्चों के लिए यहाँ पे सैंडविच भी रखे हुए हैं। यहाँ पे आ गया भाई ये सूजी का हलवा और ये पूरी तैयार हो रही है भाई। वाह, सारे हलवा पूरी के लवाजमात भी यहाँ पे रखे हुए हैं भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और आगे तो अलग ही कोई सीन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। क्या बना रहे हैं? फिश शाश्लिक। फिश शाश्लिक? यस बॉस। ये फिश की सीखें लगी हुई है? यस बॉस। तंदूर में बन रही है? ओए होए 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 भाई, क्या बात है, क्या बात है। किला की स्पेशलिटी है ये फिश शाश्लिक जो है तंदूर में, लाल किला के अलावा कोई भी नहीं देगा। ये मैंने नहीं देखा है, बिल्कुल ये वैसे भी ज़्यादा कॉमन आइटम नहीं है। हाँ बिल्कुल अच्छी है यार। भाई बहुत भूख लग रही है। फिश शाश्लिक बोनलेस फिश है ये। अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, ये तीनों इसके बीच में जो है ना वो सैंडविच किए जाते हैं, तो उनका जो जूस है वो फिश के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आ गया है और ऑलरेडी फिश जो है ना वो बड़े मज़ेदार मसाले में मैरिनेटेड है। बहुत आला। ओके भाई, ये आ गया चाइनीज़ का सेक्शन और यहाँ पे ये बन रहा है चाउमीन और ये है हमारा ड्राई बीफ चिली। यहाँ पे आपके आ गए चाइनीज़ राइस और ये है हमारे ड्रैगन चिकन। भाई वाह भाई वाह। चाइनीज के बाद ये है भाई सॉटे वेजिटेबल्स। और ये कौन सी वेजिटेबल है? इसके अंदर जो है मशरूम है, जुकीनी है और ग्रीन बीन्स हैं और पोटैटो है। वेजिटेरियन आइटम्स भी सारे हैं नीचे। ये भी वेजिटेरियन है और ये फ्राइड मशरूम है। फ्राइड मशरूम है, ब्रेडेड फ्राइड मशरूम है, ये भी वेजिटेरियन आइटम। और पुलाव भी आपका वेजिटेरियन है जी? आगे पुलाव हमारे पास लगा हुआ है वेजिटेरियन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। ये आ गया आपका पास्ता। पास्ता आ गया, ये जो है अल्फ्रेडो पास्ता है हमारा, ये चिकन के साथ है व्हाइट सॉस के साथ। ओके ठीक है, अल्फ्रेडो पास्ता। वेरी नाइस। और यहाँ पे ये बाद ये आ जाता है अरबी पेने अरबियाता। अरबियाता, अरबियाता पास्ता। भाई ये देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, टेक ऑल यू कैन ईट बट ईट ऑल यू टेक। कल का वेस्टेज था 4.4 kg। यार यानी कि भाई बफे में आने का मकसद ये नहीं होता कि आप अपनी प्लेट जो है ना वो भर लें और उसके बाद आपसे खाया नहीं जाए और आप वो छोड़ के चले जाएँ। तो क्या होता है कि कल भी 4.5 kg खाना जो है वो टोटल ज़ाया हुआ है। तो उतना ही लें जितना आप खा सकें, थोड़ा 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 लें, आप कोई मना नहीं करेगा, दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन उतना लें जितना खाएँ, ज़ाया नहीं करें। अब हम आ गए उस काउंटर पर जो कि मेरा भी फेवरेट काउंटर है और ये काउंटर है भाई फ्राइड प्रॉन्स का, क्योंकि लाल किला के जो फ्राइड प्रॉन्स बटेर और इनके जो मटन के खास आइटम है ना बारबेक्यू भी, वो बहुत ही आला है। और स्पेशली ये जो प्रॉन है इसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही फुले फुले, बहुत ही क्रिस्पी, बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर बैटर होता है प्रॉन टेम्पूरा का, सॉस भी साथ में होता है और सिर्फ बंदा आके यहाँ पे प्रॉन और बटेरी खाए ना तो आपके पैसे वसूल हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये लच्छे पराठे रखे हुए और पीछे नान का साइज़ देखें आप, ये देखें, ये बिल्कुल मुनासिब नान का साइज़ है, क्योंकि इस साइज़ के अंदर जो है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें खानी हैं तो इतनी ही होनी चाहिए कि दो दो निवाले, तीन तीन निवाले आप हर चीज़ के खाएं तो भी आप पूरी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर। भाई ये देखें आप, ये बराबर में ये जो प्रॉन का काउंटर है ना उसके बाद ये आ गया बटेर का काउंटर है। यहाँ पर भी रश लगा हुआ है क्योंकि बटेर फ्राई होती है और गायब हो जाती है, छू अंतर हो जाती है। ये गोलगप्पे का काउंटर लगा हुआ है भाई, गोलगप्पे में भी माशाल्लाह रश चल रहा है। और ये गोलगप्पे देखे आप भाई, गोलगप्पे का साइज थोड़ा छोटा साइज है गोलगप्पों का भी और होना भी इतना ही चाहिए। अच्छा हाथ से हाथ चला रहे हो? अच्छा अपने हाथों से? ओह ये क्या टेक्निक बनाई है यार, टेक्निक क्या बनाई है यार। छह छह तरह के पानी रखे हुए हैं, छह पानी है यहाँ पे। कौन कौन से पानी है? लेमन है, जलजीरा है, इमली का पानी है, पाइनएप्पल है, गुड़ का पानी है, खट्टा मीठा है। खट्टा मीठा, एक खट्टा मीठा दिखाओ जरा यार, ये टेक्निक बड़ी अच्छी है यार। यार कितने प्यार से खिलाते हो तुम यार, है घर में भी तुम्हें शादी होगी तुम्हारी? अब देख लो बेटा तुम्हारी वीडियो चली जाएगी, तुम्हारी शादी होगी ना बेगम को ऐसे ही खाना खिलाना पड़ेगा, है प्रैक्टिस तो तुम्हारी बहुत हो गई है। दिखाओ जरा मास्क नीचे करो, एक शक्ल तो दिखाओ। हाँ क्या नाम है आपका? अबू बकर। अच्छा ज़बरदस्त, प्रैक्टिस कर रहा हो ना, ठीक है। ये यहाँ पे भाई सूप रखे हुए, चिकन लेमन सूप और चिकन कॉर्न सूप। वाह। अच्छा भाई ये
बिरयानी तो आपको पता है कि खास है, तो बिरयानी यहाँ पे रखी हुई है। आपको दरमियानी माइल चाहिए तो आप मिक्स कर लें, और आपको सादी बिरयानी चाहिए तो आप ये लें और यहाँ पे चिकन यहाँ पे डाल लें। रायता भी यहाँ पे रखा हुआ है, और बराबर में आपके ज़बरदस्त सा जर्दा, इसके ऊपर खोया और गुलाब जामुन पड़ी हुई है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। सर बीफ पेंसिल कबाब है, चिकन में मलाई कबाब है, चिकन में बिहारी टिक्का है। बिहारी टिक्का, सीख कबाब, मलाई बूटी। जी सर, मलाई कबाब। एक हमें सीख कबाब दे दें। बीफ पेंसिल कबाब है सर, बीफ पेंसिल कबाब, ये बिहारी टिक्का आ गया और एक मलाई। तीन दोस्त तीन कहानियाँ भाई। ये दो तरह की चटनियाँ भी हैं और ये पराठा। चटपटा जूसी चिकन, मज़ेदार मलाई कबाब जो है ना, ये बहुत ही डिफरेंट आइटम है। कबाब खा के देखूँ मैं ज़रा। ये तीनों बारबेक्यू अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन भाई ये जो है ना, ये वाला कबाब पेंसिल कबाब अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मज़ा आ गया। गर्मा गर्म लाइव बारबेक्यू, जो गर्म गर्म खाने की बात है ना, उसकी बात ही और बात ही और। बारबेक्यू से थोड़ा आगे आएंगे ना आप, तो आपको मिलेगा ये स्टेक। और ये स्टेक जो है ना, वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है भाई। स्टेक बफे में आपको हर जगह पे मिलेगा नहीं। और इसमें भी यहाँ पे दो सॉस है आपके पास ना, दो सॉसेज है। पेरी पेरी सॉस है, और नॉर्मली जो है ब्लैक और वाइट पेपर में बना हुआ है, तो यानी दोनों ऑप्शन है। पेरी पेरी स्पाइसी सॉस में अगर थोड़ा आपको स्पाइसी करना है तो पेरी पेरी सॉस डाल लें, वरना ऑलरेडी ये मैरिनेटेड है, ब्लैक पेपर में बना हुआ है। साथ में इसके वेजीज भी लगी हुई है। अच्छा, कॉन्डिमेंट्स में वेरी नाइस मैश पोटैटोस, स्वीट कॉर्न है, और ये अनियन रखी हुई है। स्टेक के जो सारे लवाजमात हैं साइड डिशेज वो भी है जी। और भाई स्ट्रीट फूड का जो असल मज़ा है ना, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको कॉन्टिनेंटल तो मिल रहा है, स्टेक भी मिल रहे हैं, बारबेक्यू, लेकिन बन कबाब के बगैर पाकिस्तानी खाना, स्पेशली स्ट्रीट फूड, अधूरा है। तो यहाँ पे जो बंस रोड के मशहूर बन कबाब है ना, वही आपको समझे कि यहाँ पे टेस्ट मिल रहा है। दाल अंडे का शामी, और उसके ऊपर उसको अंडे के अंदर लपेट के चटनी के साथ, प्याज के साथ। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, वो लाल किला में नहीं बल्कि आप बंस रोड पर खड़े हैं भाई। माहौल बन गया भाई। अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर इन्होंने कोई जो है ना, वो एडिशनल चीज़ें नहीं की, और बन का ये टेक्सचर देखें आप, बड़ा ही ज़बरदस्त सिका हुआ बने, क्रिस्पी, मज़ेदार। जाफर जमाली साहब के लिए लाल किला बंद कर वेलकम के भाई। मैं चल चल के घूम घूम के थक गया हूँ, लेकिन डिशेज जो है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बन कबाब के बाद यहाँ पे रखे हुए हैं ये विंग्स, यहाँ पे पिज्ज़ा भी है, यहाँ गुलाब जामुन भी आ गई, और यहाँ पे ये है लौकी का हलवा, सैलेड्स, डेजर्ट्स, पिज्ज़ा। ये भाई सीन, ये तो पूरी दुनिया अलग है। यहाँ पे तरह तरह के डेजर्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर मैं एक एक का नाम बताने लगूँगा ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा भाई। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पे, आपको जो भी चीज़ पसंद होगी ना, वो यहाँ पे यकीनन मौजूद होगी। लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम तैयार हो रही है भाई, यानी खाने तो यहाँ पे फ्रेश बन ही रहे हैं, आइसक्रीम भी फ्रेश बन रही है। अच्छा भाई, लाल किला में यहाँ पे रूफ टॉप पे ये पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आप बादशाह बन सकते हैं, एक दिन के बादशाह बन सकते हैं आप, एक दिन के या चंद घंटों के। ये उसके आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है, यहाँ पे आप बैठे बादशाह बने और तस्वीर खिंचवाएं। तो हम जरा यहाँ पे आए तो बादशाह तो बनना पड़ेगा ना, लाल किला का बनाने। भाई क्या नाम है आपका भजन? सर मेरा नाम शाहनूर होगा। शाहनूर भाई यहाँ पे बादशाह बना रहे हैं लोगों को, नाम भी इनका बादशाह वाला है, शाहनूर, माशाल्लाह। भाई लाल किला के बादशाह हम बन चुके हैं, और अब इस किले पे हमारी हुकूमत है। है वो जालिम शहंशाह अकबर आजम, वो कौन है जो शाही लिबास में खड़ा नजर आ रहा है? सल्तनत हमारी, बादशाह हमारी, हम यहाँ के बादशाह थे, बादशाह हैं और बादशाह ही रहेंगे। आप हो गए बादशाह, लेकिन यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले आपको अपनी जेब के अंदर। आपको मुझे लग रहे हैं कलंदर, और ये नहीं चलेगा आपका अंदर, हम आपको कर देंगे थाने के अंदर। सर कलम हो गया मेरे पहलू से, तुम जरा सरको, सरको तो इस तरह सरको, कलम कर दो मेरे सर को। सर की जो सर से, वो धीरे धीरे
पागल बना दिया तुमने लोगों को धीरे धीरे। भाई ये तो हो गया लाल किला, अभी जरा भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं चल के। लाल किला की मज़ेदार डिशेस का ज़बरदस्त सा दस्तरखान हमारी टेबल पे सज गया है भाई। किस्म किस्म की चीज़ें हैं जो सारी की सारी हमने अभी एक्सप्लोर की हैं। क्या खा रहे हैं साबिर भाई आप? यार मैं बटेर खा रहा हूँ और काफ़ी मज़े है। और आप क्या खा रहे हैं भाई? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई, और मैं बिस्मिल्लाह करूँगा भाई इनके ये प्रॉन्स है, और प्रॉन्स का एक जो है ना ये सॉस भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। बिस्मिल्लाह। प्रॉन और बटेरों का जवाब दिए, प्रॉन और बटेरे तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर जितनी और कॉन्टीनेंटल डिशेज़ हैं ना उनको भी ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि जो जायका है ना वो मैटर करता है। यूजुअली हम देखते हैं कि और दूसरी जगहों पे चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि आपको जायका बहुत मिलेगा, बैलेंस स्पाइसेस मिलेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें ना बहुत ज़्यादा माइल्ड। ये जगह ऐसी है कि बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, तो हर किसी के टेस्ट का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। चाइनीज़ राइस और शाशलिक, ये भाई स्टेक पेरी पेरी सॉस, आपको पता है कि थोड़ा स्पाइसी चटपटा सा होता है, तो मैं तो स्टेक जो है ना विदाउट पेरी पेरी सॉस जो है ना वो प्रेफर करता हूँ। मीट का अपना मज़ा जो है ना, अपना मज़ा ज़्यादा हूँ वो बगैर सॉस के आता है, तो वो हल्की सी जो इन्होंने काली मिर्च ब्लैक स्पाइसेस वगैरह में ऐड की हुई है वही मेरे ख्याल में इनफ है। ट्राई करें, गुलाब जामुन ट्राई करें। गुलाब जामुन पर आ गए, ये साथ साथ चलता रहता है। और भाई ये तो आपको पता है कि ये मेरा फेवरेट है मिंट लेमिनेट, और ख़ास तौर पे जब लाल किला में आप आए हों तो मिंट लेमिनेट तो लाजमी है। ये भाई मटन कुन्ना, ये देखें आप इंतहाई गला हुआ गोश्त, यार बहुत ज़्यादा यार। मटन कुन्ना है असल में पाए की फैमिली से, और इसके अंदर इसके शोरबे में भी वो जो चिपचिपाहट होती है ना पाए की है ना, मज़ेदार है, मज़ेदार है, एक से बढ़ के एक आइटम भाई, नो डाउट, मज़ा आ गया, वेरी नाइस। लाल किला के ये सारे मज़ेदार खाने आप अपने घर पे डिलीवर भी करवा सकते हैं, और अगर घर में कोई शादी की खुशी की तकरीब है तो लाल किला की केटरिंग भी अवेलेबल है। सारे डिजर्ट्स एक तरफ और ये कुल्फी एक तरफ। और भाई एग्जिट पे जब आप बाहर निकल रहे होते हैं ना तो आपको यहाँ पे आएगी पान की मज़ेदार खुशबू। क्या हाल है भाई, ये देखें आप पान लग रहे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त। कौन कौन से पान लगा रहे हैं आप? मीठा और सौ खुशबू, ज़बरदस्त पान, हमें मीठा के पान खिला दीजिए। चॉकलेट भी डाली थी आपने? जी सर, चॉकलेट। वाह वाह, भाई बहुत ही मज़ा आया लाल किला पे आके, और ये पान ने सारी चीज़ों का मज़ा दुबाला कर दिया। आप भी लाल किला पे आइए, मज़ेदार खाने भी इंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल किला पे आए, मज़ेदार खाने इंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।